जय हिंद दोस्तों, आई होप आप अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। फाइनली छुट्टी मेरी हो चुकी है पास, अब कुछ दिन आराम मोड पे जाने वाले हैं। बड़ा बुरा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, क्योंकि आदत है ऐसे काम करते रहने का, अपने वर्क में हमेशा लगे रहने का। अब वापस छुट्टी पे जा रहे हैं, ठीक है, परिवार को भी समय देना ज़रूरी है। तो बस अब एक दिन और, उसके बाद बाय बाय टाटा, थाना से प्रस्थान कर जाएंगे, फिर काफ़ी लंबे छुट्टी के बाद वापस लौटेंगे। तब तक अपने दैनिक जीवन में वहाँ पे रहेंगे, कैसे जीवन कटेगा आप लोग से हमेशा बात होती रहेगी। बाकी सोचे तो हैं कि घर जाके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें, काफ़ी लंबा छुट्टी मिल रहा है तो वापस से पढ़ाई में लगते हैं, क्योंकि बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्या जाने कुछ और बेहतर हो जाए, है ना। प्रयास करते रहना चाहिए। पहले मेरा डायलॉग था कि जब तक एज है, जिस एज तक फॉर्म भर सकते हैं उस एज तक प्रयास करते रहना है, है ना, क्या जाने और कुछ अच्छा हो जाए जीवन में, क्योंकि इसमें मेहनत कौन सा लगता है। पढ़ने में कौन मेहनत है भाई, पढ़ने में कोई मेहनत नहीं है, बैठना है, पढ़ना है और कुछ करना है, अपना पूरा डेडिकेशन और प्यार दिखाना है। बाकी पढ़ने में कौन सा ईंटा ढोने का काम लगता है या चक्की चलाने का काम लगता है, वेरी सिंपल वर्क पढ़ाई, वेरी वेरी सिंपल वर्क। और किसी भी काम को करते हुए कर सकते हैं। जब मैं खाना बनाती थी तो लेक्चर सुन लेती थी, ट्यूशन कराती थी तो कान में हेडफोन सुनकर अपना लेक्चर कंप्लीट कर लेते थे, मतलब पढ़ना बहुत ईजी है। तो आप लोग भी जो घर बैठे हैं और पूरा फोकस होकर नहीं पढ़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, पूरा फोकस होकर पढ़िए, सारा काम अच्छा है। एक कमेंट आया था कि बिजनेस पे भी आप कभी बोला कीजिए कि बिजनेस भी तो बेहतर है, एकदम अच्छा है, मेरे हस्बैंड बिजनेस में है, वो भी बेटर है। जिसमें आप करिए अपना 100% दीजिएगा तो आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। यहाँ भी अपना 100% दिए, अब वापस जा रहे हैं, नौकरी का 2 साल पूरा हुआ बिना किसी प्रॉब्लम का, सबके सहयोग से अब आगे बढ़ गए। अब छुट्टी, कुछ दिन रेस्ट में रहा जाए, जब लौटेंगे तो हमको तो लगता है बहुत कुछ भूल चुके होंगे ये चीज़ों को, लेकिन बड़ी ध्यान आएगा बड़ी ध्यान आएगा, हर चीज़ में याद आएगा। एक नई आदत होता है, थोड़ा हिटलरी टाइप का आदत, लेकिन परिवार में ये सब तो नहीं चलता है, सबको लेके चलना है, समझना है, शांत रहना है, है ना। रोल बहू का चालू हो जाएगा पुलिसिंग छोड़ के, देखिए क्या होता है। वेरी एक्साइटमेंट है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब से मैंने होश संभाला है, आई थिंक क्लास 6 से मैं कंटिन्यू वर्क की हूँ, 6 से मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, 6 से पढ़ाते पढ़ाते ट्यूशन कराते कराते फिर मैंने जॉब पकड़ा अपना, फिर जॉब में भी वर्क में लगे रह गए। तो ऑलमोस्ट बचपन वर्क में गया, बड़ा भी वर्क में गया, ये बस लंबी छुट्टी थोड़ा रेस्ट में जाने वाली है। और स्वभाव आदत तो है नहीं रेस्ट करने का, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कैसे समय कटेगा, लेकिन अच्छा ही होगा। बहुत मेरी दोस्त एक्साइटेड रहती है सब, कि तब बेहतर है, अब 6 महीना छुट्टी, नो केस, नो मुकदमा, नो गवाही, नो किसी के पीछे लड़ना, नो पकड़ना धगड़ना, नो लड़की भागी भागी, सबसे मुक्ति लेकिन काम तो काम है, काम तो करना है। वाकई में 6 महीना जितना पुलिस पे लोड रहता है, दिन ना दिन, रात ना रात, बहुत लोग को लगता है ऐसा कुछ नहीं है, ईजी है, ईजी नहीं है, पुलिस विभाग ईजी नहीं है। और नए कानून पास होने के बाद तो और इजी नहीं रह गया है, बहुत टफ हो गया है, हर चीज़ में इतना साक्ष्य जुटाना पड़ता है, इतना रिकॉर्डिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब अब हर चीज़ में वीडियोग्राफी चाहिए। अब केस के अभियुक्त को पकड़ने जा रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं, बंदूक हाथ में है, अब एक हाथ में मोबाइल रखिए कि अगला पकड़ाया तो कैसे पकड़ाया, उसका रिकॉर्डिंग बनाइए, तब तक आपको शूट कर देगा वो ठीक है। तो ये नया नया कानून के अंतर्गत ही सब आ गया है, किसी को पकड़िए, दारू जांच कीजिए, उसका वीडियोग्राफी चालू रखिए, तब तक वो भागने को ये में लग जाता है, क्योंकि कोर्ट नहीं मानता। पुलिसिंग में आएंगे तब पता चलेगा कोर्ट किस चिड़िया का नाम है, कोर्ट को सबूत चाहिए पूरा तगड़ा, और सबूत को जुटाने पुलिस बहुत मेहनत करती है, क्योंकि न्याय मिल सके पब्लिक को, सबूतों के दम पे ना सब कुछ है, सब कुछ सबूत है। और कोशिश कीजिए, अगर कोई पब्लिकली सुन रहा है मुझे, तो फेक केस मत कीजिए, फेक नहीं करना चाहिए, इसे कुछ मिलने वाला नहीं है, उसमें साक्ष्य भी नहीं सही से जुट पाता है, फिर कोर्ट में जाके आप उसमें समझौता करा लेते हैं। पुलिस तो अपना 100% वर्क करके भेज देती है कोर्ट, कोर्ट में लोग समझौता करा लेते हैं। मेरी दीदी हैं कोर्ट में, वो बताती हैं लगभग 100 में से 90 केस में समझौते होते रहता है,
जब वहाँ समझौता करना है तो पहले ही देख लीजिए, जबकि हर केस फेक हो या रियल हो, पुलिस को उसमें 100% वर्क करके भेजना रहता है, इतना वर्क रहता है। खासकर महिला संबंधित केस तो पूछिए मत, विभाग में महिलाओं की बहुत ज़रूरत है। मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे हर थाने में भी महिला नहीं है, इतना कम है महिला। और लोग कहते हैं अरे महिला को भरा दिया गया है, आपको क्या लगता है? बहुत कम है महिला, बहुत कम है महिला। इसके पहले वाले थाने में 15 पदाधिकारी थे, 15 में सिर्फ एक हम ही महिला थे, 14 जेंट्स। यहाँ भी हैं तो यहाँ भी 5-6 पदाधिकारी में हम ही एक महिला। और महिला संबंधित केस सबसे टफ केस है, सबसे टफ केस है जो हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि इसमें किडनैप, रेप, लड़की को भला फुसला के भगा ले जाना। और जो लड़की भागती है ना, ना उसका कोई CDR रहता है, ना उसका कोई फ़ोन नंबर रहता है, ना कुछ रहता है, ना वो जल्दी फेसबुक पर रील्स बनाती है, क्योंकि नॉर्मल लोकल मासूम बच्चियों को फंसाया जाता है, तो उनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं रहता है। जेंट्स तो ऑलमोस्ट पकड़ा जाते हैं, लेकिन महिला संबंधित केस में महिला को धरना बहुत टफ है। तो विभाग में भी बहुत महिला की ज़रूरत है। आई होप हम तो बस यही चाहते हैं कि भर्ती हो, कि कम से कम 15 में से 4 को पदाधिकारी महिला रहे थाना पर, कि थोड़ा एक महिला रिलैक्स कर पाए उसी के भरोसे। और ऊपर से उसमें भी छुट्टी हम लोग का रह जाता है, संभालना है, प्रकृति का देन है, प्रकृति से थोड़ी भाग सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, अभी बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा हो सके सीट महिला का आए। अभी पदाधिकारी में खास तौर की कांस्टेबल में भी ज़रूरत है, क्योंकि इसके पहले वाले थाना में भी थे, वहाँ भी कांस्टेबल नहीं थी, इतना नहीं था। ऊपर से अगर मानते हैं महिला को दे रहे हैं किसी थाना में, तो सारा सुविधा भी ज़रूरत है, हर थाना तो सुविधा से लैस नहीं है। तो भी मैनेज करके सब लोग वहाँ रह रहा है, हैंडल कर रहा है। तो बहुत अभी कमी विभाग में भी बहुत बहुत का ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर केस महिला संबंधित ही हो रहा है। थाना पे 2 ही मामला सबसे टॉप में आता है बिहार में, एक तो ज़मीनी मामला आता है, उसको लेके लफड़ा चलता है, फिर CO की एंट्री में हो जाता है CO सर का, और एक महिला संबंधित बहुत मामला आता है, दहेज उत्पीड़न, लड़की को फजला फुसला के भाग जाना, लड़की को 4 साल से अफेयर में रखना, फिर उसको छोड़ देना, ये जो आप सोचते हैं तो ये सब बकवास है। हाल ही में पकड़ुआ ब्याह हुआ है मेरे इलाके में, लड़का शुरू में ना किया, बाद में तो हाँ हाँ करना पड़ा, ठीक है। तो इसमें भाई अगर आप ऐसा करते हैं कि सोचते हैं कि शादी किसी को, आप मिलने किसी से लड़की से जा रहे हैं, उसके बाद उसको वहाँ पे पब्लिक पकड़ के आपका ब्याह करा दिया, फिर आप नाना करने लगे, तो वो छोड़ देगी? ना छोड़ेगी, बढ़िया केस थमाएगी आपके ऊपर, ठीक है। उस पर भी केस होगा, भले आप लोग अफेयर में क्यों ना रहे हो, पसंद में क्यों ना रहे हो, बहुत कुछ होता है। लोग दारू पी के किसी के महिला के घर में घुस जाता है, दारू वाकई में बहुत सत्यानाश है, दारू संबंधित बड़ी मामला आता है महिला में, दारू पी के मार दिया, दारू पी के घर से निकाल दिया, दारू पी के फांसी दे दिया, दारू पी के कुछ कर दिया, मतलब ऊपर से दारू पी के घर में खर्चा नहीं दे रहा है, बच्चों का पालन पोषण कुछ नहीं दे रहा है, बच्चों को मार रहा है। तो बेस्ट वर्क है भाई नीतीश कुमार का दारूबंदी, इसका डर भी है पब्लिक में बहुत ज़्यादा। आई नो पूरी तरह से ये वर्क नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो पब्लिक में डर है, वो डर के वजह से बहुत कंट्रोल है, ठीक है। तो दारू संबंधित बहुत मामला आ रहा है, दारू बहुत फैमिली बर्बाद करके रखा है, जितना हो सके नशा से दूर रहें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा अब थाना से बाय बाय टाटा होने वाले हैं, बस कुछ दिन और, उसके बाद प्रस्थान कर जाएंगे यहाँ से, फिर घर पे मिलेंगे, घर पे पढ़ेंगे, घर संभालेंगे, इनको संभालेंगे फिर मिलते हैं, जय हिंद।